लिए भी इसमें रॉयल जेली है। ये पूरी रॉयल जेली है। Okay. शाम तक भूख नहीं लगेगी सिर्फ इतना खाने से। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अभी बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश हनी निकाल रहे हैं। देख रहे मेरे हाथ में भी सारे इसमें बीज ही बीज है। तारा टेस्ट आपको। सच में आप खाते हो? सच में बताना है, कोई मैं वो नहीं कह रहा। नहीं, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। मैं हनी बहुत खाता हूँ, मुझे हनी पर्सनली बहुत पसंद है। देखेंगे, थोड़ी लंबी है, सब लोग जानते हैं, अलग से पहचानी जा सकती है। ये क्यों है? Yo, what's up everybody? क्या हाल चाल? आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज के व्लॉग के लिए ना मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। तो आज के व्लॉग में बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि शहद कैसे निकाला जाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा शहद पसंद है खाना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि आपको पता लग जाए कि टेक्निकली शहद निकालते कैसे हैं। और हर एक चीज़ें जो है आज इस व्लॉग में मैं आपको समझाने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। और हाँ, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो ज़्यादा समय लेते चलिए शुरू करते हैं। 12 seconds later. So guys, जैसे कि आपको पता है आजकल जो है बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं, लाइक T24 ट्रॉफी। तो सबसे बेस्ट वे है पैसा कमाने का अपनी बेस्ट एंड फेवरेट टीम के ऊपर पैसा लगा के। सो उसके लिए जो है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐप जिसका नाम है 1xbet। और मेरे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अगर आप 1xbet यूज करते हैं तो आपको जो है $100 का डिपॉजिट मिलेगा। तो किस चीज का इंतजार है, 1xbet यूज करिए, पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। A few moments later. आज जैसे कि मैं आपको घर से कहकर चला था कि ये व्लॉग इतना लेजेंडरी होने वाला है और हमारे साथ एक लेजेंड है, मनजीत महालपुर जी हमारे साथ हैं। पाजी, तो पाजी को ऑलमोस्ट 20 से 25 साल, पाजी कितने साल हो गए? 26 से 27 साल हो गए मुझे। 26 से 27 साल बी पालन, 1993 से लगभग मैं इस फील्ड में। वाओ। सो पाजी आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने स्टार्टिंग कैसे की थी, क्या विचार बना? और आज के टाइम में तो मैं अभी इन फ्यूचर आपको वीडियोस में भी बताऊंगा कि पाजी आज के टाइम में कितना लेजेंडरी काम कर रहे हैं इस बी वाली जो फील्ड है, हनी वाली फील्ड में। एक्चुअली मैं पहले जॉब स्टार्ट की थी, था नहीं मेरे पास कोई स्कोप। तो लुधियाना में मैं जॉब कर रहा था, वहाँ धीरे धीरे मैं PAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से जुड़ा। वहाँ से मुझे इस लाइन में हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने डाला। तो वहाँ से काम में कुछ मेरे घर की प्रॉब्लम थी अपनी, तो उसकी वजह से मैंने फिर जॉब छोड़ के, पहले जॉब के साथ साथ मैंने 10B बॉक्स लेके इसको स्टार्ट किया। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे घर रह के यार जॉब करूँगा तो मैं एक सीमित रह जाऊँगा, तो फिर मैंने उसके हिसाब से इसको प्रोफेशनली आपने स्टार्ट किया। सो फिलहाल पाजी हमारे को ना सारी स्टार्टिंग से एक प्रोसेस समझाएंगे, तो आ जाओ। सबसे पहले भाई अभी यहाँ पर हम क्या देखने के लिए आए, आप थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे हमें, जिसने भी न्यू कवर है, जिसने स्टार्ट करना है ये काम, ओके, उसके लिए बेसिक जानकारी जिसको हम बोल सकते हैं वो है। इस तरह से आपको जो आपके सामने है, अपने पास खाली इधर पड़े हैं, सारे बॉक्सेस पड़े हैं, तो ये बाद में जब डिवीजन होगी तो ये सब लग जाएंगे। एक्चुअली सीजन में लग जाते हैं, ऑफ सीजन में खाली हो जाते हैं, ये इसका प्रोसीजर चलता रहता है। क्या होता है, ये एक लकड़ी का बॉक्स है, कलोनी बोलते हैं इसको, बी कलोनी, ओके। ये इसका टॉप कवर रहता है, इसके बीच में ऐसे हमारे पास 10 फ्रेम रहते हैं। इसमें 10 फ्रेम अगर पूरे फुल हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें प्रॉपर मक्खी कलोनी फुल है। तो शुरुआत में हमको ये खाली ये मिलेगा जहाँ से हम तैयार करवाएंगे। उसके बाद में इसमें छत्ता तैयार करवाने के लिए हमें इसमें एक शीट डलेगी, इसमें ये वैक्स शीट बोलते हैं इसको, ये इसी की वैक्स की होती है, ओके। तो इसको इसमें सेट कर दिया जाएगा इस तरीके से सेट करके, और हनी बीज के बीच में जब भी टाइम आएगा, फ्लो का टाइम आएगा, दे दिया जाएगा। वो इसके ऊपर प्रॉपर अपना पूरा घर तैयार कर लेगी, जिसमें उसने ऊपर की साइड में हनी डालना है और नीचे की साइड में अपनी एगलिंग करके बच्चों का घर बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये काम, एक पूरे बॉक्स में कितनी बीज होती है, कितनी मक्खियां होती है? आप मान के चलो 10 फ्रेम है, इसमें 40 से 50 हजार, 60 हजार ऊपर मक्खी आ गई तो 70 हजार भी हो सकती है अगर आपके पास ऊपर लगा है। इतने से बॉक्स में 70 हजार? बिल्कुल। और ज्यादातर वर्कर बिजी होंगी क्योंकि इसमें वो, मैंने आपको बाद में बताऊंगा वहाँ फार्म पे जाके कि इसमें क्यों होती है, मैं दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल। सो अभी फिलहाल जो है पाजी ने मेरे को एक ये चीज दी है, पाजी इसको क्या कहते हैं? इसको कैप भी बोल लेते हैं, जाली भी बोल लेते हैं, मतलब ये बी वेल है इंग्लिश में, ताकि आपके फेस पे जो मधुमक्खी है वो काटे ना। और हाथ वगैरह पे तो? हाथ वगैरह पे काट सकती है, लेकिन आज हम अब लोग अपनी पूरी तैयारी से नहीं थे जल्दबाजी की वजह से, इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब फ्लो चलता है ना बाहर से, मक्खी में फ्लो होता है शहद का,
तो वो काटती नहीं है। वैसे भी मक्खी ये कम काटती है, क्योंकि ये इटालियन वीज है, उसकी वजह से इसमें काफ़ी वो अग्रेसिव नहीं है उतनी जितनी अपने बाहर पेड़ पे लगने वाली अग्रेसिव होती है। चलो भाई, तो अभी मैं तो डाल ही लिया, और अभी इसके बाद हमारे जो हमारे भाई हैं जतिन जी, जतिन जी की बारी है। जतिन पहनो भाई, कैप उतार दो, कैप अंदर रख दो। लो भाई, ये मैन टोटली ऑर्गेनिक हनी जो निकाला जाता है मधुमक्खी पालक द्वारा, वो आज आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ हमारा बिल्कुल शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में शहद निकालना स्टार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं मल्टी हनी का। ओके, सो कैसे निकालते हैं आइए आपको बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो सारी तरफ जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है ये एरिया, और बेसिकली ये नंगल मतलब आप होशियारपुर में कह सकते हैं कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है, है ना? बिल्कुल, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है पंजाब में। और तो भाई हम यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ये मैंने जैसे आपको पहले दिखाया है, हाँ जी, कि कैसे बॉक्स वो था उसका खाली खाली होना। यहाँ पर ये टोटल जब आप इस काम में आ जाओगे तो इस ये इस टाइप में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इसमें अभी डलेगा क्योंकि वे अंदर शहद निकालने के लिए गया हुआ है। जैसे कि अभी आपको पाजी ने दिखाया, यहाँ पर जो है इन बॉक्सेस से जो है शहद निकल चुका है। सो बेसिकली आप देख सकते हो यार, हनी बीज जो है मेरे साइडों में घूम रही है, बट वही सिर्फ पेस पे ना काटे, अगर हाथ पे काट गई तो रिस्क है। अगर इस रिस्क के लिए मेरे लिए और जतिन के लिए एक लाइक तो बनता है वीडियो पे। ओके, चल चलिए आपको दिखाते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं फील्ड पे कितने सारे जो हैं लोग काम कर रहे हैं, और हनी बी पालन का जो हम कह सकते हैं बी पालने का, तो बेसिकली इसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मैं भी यही चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हर बंदे को यू नो रोज़गार मिले, और बहुत सही काम है यार ये। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी देखो बहुत सारी बीज हैं, और इस बॉक्स में से अभी हनी निकालना रह गया, तो अभी हमारे को पाजी जो एक्सप्लेन करेंगे। सर आप हमारे को एक्सप्लेन करो कि अभी इसमें से हम हनी कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा जूम करके दिखाओ, आपको वाइटनेस दिखाई देगी बेटा, फ्रेम खींच, इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि उसमें शहद बन के तैयार हो गया है। ओके, ये देखिए आप ऊपर है, अभी सील्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये सीजन ऐसा है कम उसना होने की वजह से ये ऊपर वाला जो एरिया है ये शहद का है। हदर सीधा दूसरा पास, ये देखिए ये सील्ड होना शुरू हो गया ऊपर से। जब सील्ड होना स्टार्ट हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपकी क्वालिटी पूरी बढ़िया तैयार हो गई। ओके, इसी को देखा जाता है आधा सील्ड आधा, वैसे तो पूरा सील्ड निकालना चाहिए, लेकिन ये सीजन बहुत छोटा रहता है, हवा चल जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो जब मक्खी सील्ड करना स्टार्ट कर देती है तभी हम लोग इसको हनी निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ से बस ये हर एक फ्रेम को झाड़ के, जैसे आप देख रहे हैं वो लड़के काम कर रहे हैं, वो झाड़ेगा वहाँ से। ओके, और उसके हाथ में ब्रश है, हाँ, तो ब्रश मार के आपको खाली फ्रेम दे देगा। ब्रश मार के बेसिकली हम जो बीज है उड़ा रहे हैं, उसको उड़ा रहे हैं। यहाँ से इसको रखा जा रहा है, ये देखिए ये पूरा भर गया, इसको हम लोग वहाँ मशीन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस होंगे सर? वैसे हम लोग 250 के करीब एक साइड में, एक साइड में। और अपने अंडर कितनी साइट है सर टोटल? मेरे पास 15 साइट चल रही है जी। वाओ, वैसे 15 साइट्स। हमारे ग्रुप में तकरीबन 200 साइट का काम चल रहा है, जिसके साथ मैं अटैच हूँ। वाओ, 200 साइट्स, बेसिकली 200 साइट में। और कितने ही बॉक्सेस हैं, कोई गिनती नहीं है इन बॉक्सेस का, कितनी बीज हैं, कितना ही हनी प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी फिलहाल अंदर चले हैं, यहाँ पर जो है इन्होंने पूरी ऐसे नेट लगाकर इन्होंने एक ऐसे अपना सेटअप बनाया हुआ है सर ने। और साथ ही सर इस मशीन के बारे में बताइए पहले, इस मशीन को कहते हैं क्या है? वैसे कोई है नहीं इसका, इसको अगर हम पंजाबी या हिंदी में बात करेंगे, इसको शहद निकालने की मशीन, सीधी सीधी बात में जो शहद निकालने की मशीन, ये बेसिकली काम करती है आपकी वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाने वाला टब होता है, सेम प्रोसीजर सोक करती है, सक करती है, बेसिकली सक नहीं करती है। अच्छा, उसको बाहर फेंकती है, सब बाहर निकाल। हाँ, उसकी वजह से यह है कि इसका हमारा ये देखिए ये छत्ता जो है शहद निकलने के बाद ये जो है ये पूरे का पूरा खाली हो चुका है। ये देखो छत्ता बिल्कुल खाली हो चुका है, मशीन में शहद जो है अंदर उसमें निकल चुका है। तो ये छत्ता दोबारा उसी बीज के पास चला जाएगा जहाँ से हम निकाल के लाए। ओके, तो इसको दोबारा वर्क कर देगी, इसमें मक्खी का काम भी बचेगा। जब ये काम मशीन वगैरह, वैसे तो शुरू से यही पालने वाली में यही चल रहा है। okay. जो पेड़ में तोड़ते हैं वो निचोड़ लेते हैं, हाँ, वो छत्ता खराब होता है, उससे फिर बहुत ज़्यादा लॉस होने की संभावना रहती है। ओके, देखो हाथ से, और ये शहद निकल रहा है सर।
चल खोल बेटा। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये निकाल रहे हैं यहाँ से बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश हनी। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर अभी बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश हनी निकाल रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या दिक्कत क्या क्यों बंद कर रहा है, वो वैक्स होती है थोड़ी बहुत। ओके वो फिर इसको हम सफाई से भरते हैं, ऐसे नहीं भरते, वो फिर उसके ऊपर आ जाती है, इसलिए धीरे धीरे वो। तो बेसिकली जो ये हनी निकाल रहा है उसको फिल्टर भी कर रहे हैं साथ के साथ जितना कर सकते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहली फिल्टर की जो लेयर है वो ये इसी नेट से हो रही है, हनी आ रहा है और हनी निकालते ही देखो उसको फिल्टर कर रहे हैं इस नेट से। और उसके बाद पाजी इसको कितनी बार हम फिल्टर करते हैं हनी को? वैसे हम एक बार और करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमको लगेगा नहीं। तो आप देखिए बिल्कुल लगभग प्योर साफ हो चुका है, इसको दोबारा जब एक्सपोर्ट होगा या पैकिंग होगी तभी वो करेंगे हम, प्योरीफाई करेंगे हम इसको जैसे हम अगर उनको करना होगा तो। ओके मैं फ्रेश अभी ताजी निकली हुई हनी को टेस्ट करने का, तो पाजी अभी मेरे लिए थोड़ी सी हनी निकाल रहे हैं। So, ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है और मेरे हिसाब से किसी को मिलता नहीं है। ये तो सिर्फ मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे को फ्रेश हनी और मुझे बहुत पसंद है हनी। और इसकी सबसे पहले पाजी ने कहा इसकी स्मेल देखनी है, राइट? स्मेल देखिए, इससे बेटर हनी ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं मिल सकता, जो ब्रांड वाले हैं वो कुछ भी बोले। बिल्कुल ये नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक हनी है, जिसको आप जंगलात का हनी बोल सकते हो, जंगल फॉरेस्ट का हनी बोल सकते हो। क्या बता रहा है टेस्ट आपको? सच में आप खाते हो? सच में बताना है, कोई मैं वो नहीं कह रहा। नहीं, बहुत ही ज्यादा मजेदार है यार, मैं हनी बहुत खाता हूँ, मुझे हनी पर्सनली बहुत पसंद है और ये वीडियो तो मेरी पर्सनली फेवरेट हो गई। एक एक का एक चीज का हनी नहीं है इसमें, ज्यादातर मार्केट में मिलेगा आपको मस्टर्ड हनी, यूकलिप्टस हनी, लीची हनी, किक्कर का हनी या व्हाइट हनी, वो सिर्फ एक ही क्रॉप का होता है एक। सो ये एक मल्टी, ऐसा इसका नाम इसीलिए मल्टी फ्लोरा है कि इसमें ये बसंत ऋतु का अब जो फूल खिला है पूरे जंगल में, पता नहीं मक्खी कहाँ कहाँ जाती है, हम खुद को नहीं मालूम पॉइंट कितने फूलों से ये रस इकट्ठा करके ला रही है। और इस चीज़ की क्वालिटी बहुत ही उम्दा है, हजारों फूल हो सकते हैं इसमें और बिल्कुल प्योर है। और कलर देख रहे हो यार, हमारे मार्केट में जो हम हनी खाते हैं वो बिल्कुल प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलर, सबसे पहले यार आप कलर देखो, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या क्या दावा करती हैं, कितने कितने रेट पे हनी को सेल करती हैं, बट दे आर नॉट सेलिंग द ओरिजिनल हनी, दे आर लाइक वो। ये अगर काश मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये टेस्ट करवा सकता, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और अभी ये बारी है जतिन की, लेट्स ट्राई। जतिन टेस्ट करता है, ले भाई जतिन। जतिन तो इसी में फंस गया। चलो चलो चलो, ये मजेदार है, बहुत बढ़िया। ये आप देखेंगे थोड़ी लंबी है, सब लोग जानते हैं अलग से पहचानी जा सकती है। ये क्यून है, इसी का काम, इसका एक ही काम है बस कि इसने एग्स देने हैं, एग्स देने हैं बस। ओके वाओ। तो ये ड्रोन है जिसको हम नर बोल सकते हैं। ओके इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी कहीं से कोई कलेक्शन नहीं करता, सिर्फ मेटिंग के काम आता है। ओके तो ये सिर्फ क्यून मेट के बाद। सो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रॉयल जेली होती है जो बेसिकली रानी उसका फूड होता है, राइट? रानी का फूड होता है, फूड तो सबका होता है लेकिन बाकी सबको थोड़ा कम होता है। सो ये बेसिकली अभी इसमें रॉयल जेली है, ये पूरी रॉयल जेली है। इसमें ये लार्वा है जिससे क्यून बननी थी, वो हमने निकाल दिया, इसको निकाल दिया जाता है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, लेकिन टेस्ट आप करोगे तो जानोगे कि वाकई मैंने कुछ खाया था, शाम तक भूख नहीं लगेगी सिर्फ इतना खाने से। इतना खाने से ये बिल्कुल इसको ऐसे फिंगर पे, हाँ फिंगर पे ले लो, फिंगर पे ले, फिंगर पे लेते हैं इसको, इधर रख दीजिए आप। हाँ ये साफ है ये अभी, और अभी मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी करा देने बहुत ज़्यादा घटता और शुरू होगा बहुत ज़्यादा, और मुझे लग गया बाजी मुझे इससे शाम तक भूख नहीं लगेगी। या साफ। सो एट लास्ट जब वहाँ से सारी हनी जो निकाल कर जो है यहाँ पर टेम्परेरी जो है स्टोर कर देते हैं, पाजी इसमें कितने बॉक्सेस होंगे वैसे अंदाजन अभी के लिए? फॉर नाउ ये अभी चल रहा है, सीजन चल रहा है, वहाँ से आ रहा है जहाँ हम इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से हम एक्सपोर्टर को गाड़ी भरवा देंगे जिसके साथ भी सेटिंग बैठेगी, अच्छा रेट लेना है तो आपको थोड़ा बहुत स्टोर करना पड़ेगा टाइम के लिए। अगर बाहर जाते हैं हम लोग जब,
तब तो वहीं से उठवाना हमारी मजबूरी होती है। बिल्कुल। तो जो भी रेट लगे, वैसे लगभग ऑल ओवर सबको मालूम होता है कि क्या रेट चल रहा है आजकल। तो पाजी लोग एक अजवाइन वाला शहद भी टेस्ट करवा लगे थे, ये मुझे पाजी ने स्पेशल बहुत बहुत ज़्यादा तरीके का अपने इसका कलर देख लिया, वहाँ देख के आए हो आप, उसका बिल्कुल वाइट कलर था। तो ये अजवाइन है, इसका कलर बिल्कुल उससे अलग है, आप देख सकते हो। हाँ, अभी अंदर मैं आपको दोबारा टेस्ट करवाऊँगा, वो शहद होगा कश्मीर का। हाँ, तो हर एक के आप उसमें अपना अलग टेस्ट होगा, इसमें अंदर जाते ही पता लगेगा कि हाँ अजवाइन है। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको जो मार्केट में हनी मिल रहा है उसमें नहीं मिलेगी कभी भी पाजी, उनको क्वांटिटी चाहिए होती है। आप जो है बेसिकली, अगर कोई मेरा व्यूअर कोई एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहता हो इसी टाइप का, तो आप उसकी हेल्प करना कर सकते हैं, मतलब अगर हम पॉसिबल। देखिए, मैं बीज में उसकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, उसको गाइड कर सकता हूँ। बाकी गवर्नमेंट से क्या अलग अलग उससे होगी, आपकी अलग अलग स्टेट के, अलग अलग स्टेट के लिए होगी, उसके अलग अलग अपने अपने स्टेट के अपने अपने रूल पैरामीटर है। बिल्कुल। तो पाजी की जो फेसबुक आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, आप जाकर पाजी को मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी योर क्वेरीज। सो ज़्यादा तंग मत कीजिएगा, ज़्यादा सीरियस क्वारीज जितनी भी होंगी, आप जितनी आपकी सीरियस क्वारीज होंगी, तो आप हनी के लिए बिल्कुल पाजी को फ़ोन मत कीजिए कि हनी के लिए एक बॉटल चाहिए वो। मेन आप बीज के लिए या गार्डन्स के लिए, इस बिज़नेस के लिए पाजी को बिल्कुल मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हैं।